हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही आगे एक और पोर्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखे थे अलग अलग, हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी, ठीक है, और नेफ्रॉन काम कैसे करता है हम यहाँ पर इस पोर्शन में देखेंगे, ठीक है ना। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने देखा था ना, ये कि ना किडनीज का जो होता है वो काम होता है कि वो ब्लड से यूरिया को अलग करता है ना, सेपरेट करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, तो उसके बाद यूरिन बनता है। तो इस पोर्शन में हम ये देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए बात करते हैं। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो तीन स्टेप्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, ब्लड से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फिल्टर किए जाते हैं। ये जो काम होता है ये बूमन्स कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके साथ साथ कुछ नेसेसरी जो आवश्यक होते हैं, कुछ असेंशियल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन उन पोर्शन को तो हमें बॉडी से बाहर निकालना नहीं है, उन पार्ट्स को तो क्या करना है, बॉडी के अंदर ही रखना है। इस कारण से क्या होता है, हमें उन पार्ट्स को वापस से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वो जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, उन असेंशियल सब्सटेंसेस को वापस से एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि वो बॉडी में ही रहें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यानी कि हम सेलेक्ट करेंगे कि किस चीज को बाहर जाने देना है और किस चीज को बाहर नहीं जाने देना है। ये वाला जो काम होगा, ये नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होगा, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ठीक है, इनके अंदर किया जाएगा। और नंबर थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर नहीं हो पाते हैं। वो पोर्शन जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर फिल्टर नहीं हो पाएंगे, तो हमारी जो कुछ ट्यूब्स होती है ना, जैसे एफ्रंट आर्टेरियल या ईफ्रंट आर्टेरियल्स जो होती हैं, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, बाहर सिक्रीट करती हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को। कैसे करती हैं वो पोर्शन भी पूरा बताऊंगा मैं। तो ये तीन चीजें होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसमें फिल्ट्रेशन का काम किया जाएगा, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जो असेंशियल चीजें हैं वो वापस से रीअब्सॉर्ब की जाएंगी, और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होगा, जिसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन जो फिल्टर होने से रह गया है उसको डायरेक्टली सिक्रीट किया जाएगा बाहर की ओर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो वो ब्लड जो कि एफ्रंट आर्टेरियल लेकर के आती है, आगे चल के ग्लोमेरुलस बनाता है और वो बोमन्स कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ रहता है। That's why this step is called glomerular filtration. क्योंकि वो glomerulus वाला पार्ट जो होता है, filtration की प्रोसेस वही होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं glomerular filtration. Kidneys filter about 1100 to 1200 ml of blood per minute. हमारी किडनियां जो होती है फिल्टर करती है कितना ब्लड, लगभग 1100 to 1200 ml ब्लड, इतना ज्यादा, ठीक है। एक मिनट में द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द थ्री लेयर्स। यहां पर क्या होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, तीन लेयर्स काम में आती है। नंबर फर्स्ट होती है द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, सेकेंड द एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, एंड द थर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन द प्रेजेंट बिटवीन द अबोव द मेंशनड टू लेयर्स। यानी कि तीन लेयर्स होती है जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर काम करती है और प्रेशर क्रिएट भी करती है। ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लिया ये बोमन्स कैप्सूल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल को, ये बोमन्स कैप्सूल था, ठीक है, ये आगे जो है वो पीसीटी खुलेगी, ठीक है। ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां पर देखो क्या है, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन, यहां पर इस जगह पर, ये बोमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन है। अब तुम्हें पता है यहां पर क्या होगा, एफ्रंट आर्टेरियल और इफ्रंट आर्टेरियल आएगी, ठीक है। आपको पता ही होता है इस जगह पर, तो इनकी जो ब्लड वेसल्स जो होती है ना, या ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना, इनकी जो इनर लेयर होती है यहां पर, ये भी फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है और इनको एंडोथीलियम बोलते हैं। याद हो तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके बारे में बताया था, मैंने कहा था जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो फ्लैट सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं उस लेयर को, ये, और इनके बीच में प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है,
उसके बीच में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो इस जगह पर फ्लो कर रहा है, देखिए ब्लड जो है वो यहाँ फ्लो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको यही इसी से बनाता हूँ, देखो ब्लड यहाँ है इस जगह पर है ना। अब ब्लड के अंदर से क्या है, जो भी वेस्ट मटीरियल हमारे बाहर सिक्रीट करना है तो उसको तीन लेयर्स को पार करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, एक तो ये जो ब्लड वेसल है उसको पार करें, फर्स्ट एंडोथीलियम को पार करें। सेकंड, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार किया। एंड द थर्ड इज ये बोमन्स कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है उसको पार करें। तीन मेम्ब्रेन जो होती है वो फिल्ट्रेशन की यूनिट्स बनाती है। हालांकि ये जो बोमन्स कैप्सूल जो होता है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसमें भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो तीन मेम्ब्रेन को पार करते हैं और ये तीन जगह पर फिल्टर होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्योंकि देखो तीन जगह से फिल्टर हो रहा है, अगर कोई चीज जो होती है ना अगर उसको तीन बार फिल्टर करते हैं तो हम बोलते हैं ना कितना जल्दी वो साफ हो जाती है, कितना ज्यादा साफ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो ब्लड होगा उसके अंदर से जो वेस्ट मटीरियल निकलेगा वो तीन लेयर से होकर के जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए तो ये तीन थी, द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल थी उसकी एंडोथीलियम, द एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन इन दीज टू लेयर्स, ठीक है ना। इन दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो भी मैंने ब्लू कलर से बनाई थी, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हें पता है इस ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटीरियल होता है वो निकल निकल करके यहां बाहर आने लगेगा, इस जगह पर इकट्ठा होने लगेगा। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं पता है क्या, इस पोर्शन को बोलते हैं फिल्ट्रेट, इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब है जो फिल्टर हो चुका है। इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है, देखो मैं बताता हूं इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से सुन। नंबर फर्स्ट, वाटर होता है, अच्छा खासा अमाउंट वाटर का होता है यहां पर, ठीक है। यूरिया होता है, यूरिया का अच्छा खासा अमाउंट होता है क्योंकि यूरिया तो मैं वैसे ही बाहर निकालना है, ठीक है। कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम आयन हो गए, ठीक है, पोटेशियम आयन हो गए, ठीक है, HCO3 दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होने के कारण क्या होते हैं, ब्लड से बाहर निकल आते हैं। सर इसमें WBC नहीं होती क्या, RBC नहीं होती क्या, प्रोटीन्स नहीं होते क्या, नहीं होते, क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो वो ब्लड से बाहर नहीं निकल पाते। WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो होंगे वो, और बड़े बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो होती है उस फिल्ट्रेट के अंदर होती है। सर हमें जो है वो निकालना क्या है बाहर, आपको पता है निकालना है मेनली यूरिया, हमें यूरिया को बाहर निकालना है, और कुछ अमाउंट में वाटर जो कि अगर एक्सेस वाटर है वो बाहर निकालना है। लेकिन ये देखो आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और वाटर भी कहीं ना कहीं जरूरी है अगर वो एक्सेस अमाउंट में ना हो तो। ये सब चीजें जो है, ग्लूकोज है, आयंस है, ठीक है, और वाटर जो है ये तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, फिर क्यों फिल्टर कर दिया, क्या करें, छोटे साइज के थे निकल गए बाहर, आगे फिल्ट्रेट के अंदर। तो यहां पर जो असेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उन चीजों को वापस से रीअब्सॉर्ब तो करो, चीजों को वापस से रीअब्सॉर्ब करो। तो यहां पर आगे की तरफ जो जाएगी ट्यूब्स, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, वो ये काम करती है कि इन असेंशियल सब्सटेंसेस को वापस से रीअब्सॉर्ब करती है। सर वो रीअब्सॉर्ब होके जाएंगे कहां, एक चीज और बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये नेफ्रॉन है, मान लो है ना, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना, ये नेफ्रॉन है ना। यहां पे क्या होता है, आपको पता है इस जगह पर एफरेंट आर्टरियल आती है, और यहां से वो एफरेंट आर्टरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, यहां से ब्लड अंदर एंटर करता है और यहां से ब्लड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये जो एफरेंट आर्टरियल है ना, ये एफरेंट आर्टरियल आगे चल के UPCT के चारों तरफ, यू देखो PCT के चारों तरफ, यहां लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, ये क्या करती है, यहां पर यू लूप बनाती है ऐसे, ये लूप बना रही है ऐसे। तो ये जो लूप बनता है ना, ये जाल जो बनता है ना, उस जाल को बोलते हैं वासा रेक्टा जाल।
तो यहाँ पर जो भी चीज जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी ना, जैसे यहाँ पर मान लो इस जगह पर मान लो हमने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज बाहर निकलेगा यहां से, और यहां से बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जा करके ब्लड जो होगा वो क्या कर जाएगा, इसको बाहर ले जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये जो इफ्रंट आर्ट्रियल होती है वो आगे चल करके एक जाल बनाती है नेफ्रॉन के चारों तरफ, ताकि जो भी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं उनको वापस से ब्लड में डाल दिया जाए, और ये ब्लड जो होता है वो लेकर के चला जाएगा आगे इन सारे सब्सटेंसेस को वापस बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और इस जाल को हम वासारेक्टा जाल बोलते हैं, वासारेक्टा वेब बोलते हैं। तो अब समझ में आया कि जो चीजें बाहर निकलेंगी वो ब्लड में कैसे जाएंगी, क्योंकि इफ्रंट आर्ट्रियल जो होगी ना वो आगे चल करके क्या करेगी, ये वेब बनाएगी और इसी के अंदर डाल दिए जाएंगे जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो रीअब्सॉर्ब करने के बाद में। ऑन अकाउंट ऑफ द हाई प्रेशर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज द सब्सटेंसेस आर फिल्टर्ड थ्रू दीज पोर्स इनटू द ल्यूमिन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। यानी कि जो चीजें होती है वो फिल्टर होने के कारण क्या होती है, वो वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन्स के अंदर आ जाती है। बट द आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट आर अनेबल टू पास आउट। अभी भी बताया था ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा प्रोटीन्स ये बड़े साइज के होने के कारण क्या होते हैं, इस जगह से पास आउट नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इन द वुमेन्स कैप्सूल इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो पीछे छना हुआ हिस्सा बताया था ना मैंने, कहा था फिल्ट्रेट, उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह देते हैं, जो छन चुका है, ठीक है। इसी को हम प्राइमरी यूरिन भी कह देते हैं, एक तरीके से प्राइमरी यूरिन हो गया ये, ठीक है। दस द फ्लूइड कमिंग आउट इज नोन एज यूरिन। तो जो फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा वो यूरिन जो होगा वो इसी पोर्शन से बनेगा, फिल्ट्रेट वाले पोर्शन से ही बनेगा। हिज फॉर्मेशन अकर्स इनसाइड द किडनी, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, देखो then amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate, जिसको हम शॉर्ट में GFR भी बोल देते हैं। मतलब कि एक मिनट के अंदर, पर मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कितना फिल्ट्रेट बनता है एक मिनट के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो होता है कितना बन रहा है एक मिनट के अंदर उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ठीक है। इन अ हेल्दी पर्सन इट वाज फाउंड अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। आपको पता है इसका मतलब किडनी के अंदर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा फिल्ट्रेट जो बनेगा वो 125 ml बनेगा पर मिनट। इतना ज्यादा पर मिनट, 125 ml। सोचो फिर एक मिनट में इतना बन रहा है तो एक घंटे में कितना बनेगा, एक घंटे में कितना बन रहा है तो 24 घंटे में कितना बनेगा, बताऊं 24 घंटे में कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर, 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है 24 घंटे में। सर इतना फ्लूइड तो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, कहां से बन गया। देखो क्या होता है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे चला जाएगा, आगे जाता जाएगा, इसमें से जो वाटर होता है, ठीक है ना, जो भी आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं या कुछ और असेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, ये बाहर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बाहर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं, फिर वापस से वो बॉडी में घूम घूम करके क्या होता है, वापस क्या होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर आते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो बार बार सर्कुलेशन के तौर पर चलती रहती है, ठीक है। तो लगभग 24 घंटे में क्या होता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में बन सकता है। लेकिन पता है क्या, यूरिन कितना निकलता है एक दिन के अंदर, लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर यूरिन सिक्रेटेड बाय अ हेल्दी पर्सन इन वन डे। इसका मतलब 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट बना था, इसमें से सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही बाहर निकलेगा, बाकी जो पूरा 99% पोर्शन जो है वो वापस से बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और वो रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करती है, किडनी का ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वो करता है। और किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो अगर रीअब्सॉर्प्शन करेगा अलग अलग सब्सटेंसेस का, तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि हमें सारा पोर्शन थोड़ी रीअब्सॉर्ब करना है, हमें यूरिया रीअब्सॉर्ब नहीं करना है, कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं वो हमें रीअब्सॉर्ब नहीं करने होते। तो सेलेक्ट करती है किडनीज के किस चीज को एब्जॉर्ब करना है और किस चीज को नहीं करना है, ठीक है। This is the second step of the formation of urine from the filtrate. यहाँ पर क्या होगा, ये second step है जो कि filtrate के अंदर से क्या होगा, reabsorb किया जाएगा essential substances को। The urine released 1.5 liter as compared to the volume of filtrate formed per day, 180 liter. अभी बताया था मैंने,
It suggests that the renal cubules reabsorb as much as 99% of the material in the filtrate. So, filtrate ka 99% material jo hota hai, wo wapas se reabsorb kar liya jata hai. Thus, the process is called reabsorption. Us process ko reabsorption kehte hain. Depending upon the types of molecules being reabsorbed, movements into and out of the epithelial cells in different segments of the nephron, it occurs either by the passive transportation or the active transportation. ये बोलता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है ना, उनका मूवमेंट कैसे होगा, वो एपिथेलियल सेल्स पर डिपेंड करता है. और ये प्रोसेस जो होती है, हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो. सुनो, अब ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो अपने आप चला जाएगा, हमें भेजना नहीं पड़ेगा. वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि वो चला जाएगा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. यहां हमने कोई एनर्जी खर्च की क्या? नहीं करी. लेकिन अगर कोई एक ऐसा पोर्शन है जो ऑलरेडी किसी जगह पर ज्यादा है और हमें और चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है लेकिन हमें और ग्लूकोज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगा करके उस ग्लूकोज को खींचना पड़ेगा. तो जब खींचना पड़ेगा तो एनर्जी लगेगी, एटीपी खर्च करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि एनर्जी के लिए एटीपी काम आते हैं, एटीपी खर्च करने पड़ेंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. देखो फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से सुनो. मान लिया ये पीसीटी ले लेता हूं, चलो ठीक है. यहां नीचे हेनले का लूप होगा, यहां आगे की तरफ वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा जाल जो है इसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है. इस जगह पर क्या है, मान लो इस जगह पर कुछ आयंस हैं जो बहुत ज्यादा हैं, मान लो सोडियम आयन, कुछ भी फॉर एग्जांपल, और अंदर की तरफ जो है ब्लड के अंदर जो आयंस है वो कम है. तो क्या होगा, ये आयंस जो होंगे वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करेंगे, यहां से यहां और यहां से डायरेक्ट ब्लड में चले जाएंगे. तुम्हें पता है मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, है या नहीं? लेकिन अगर ऐसा पोर्शन है कोई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर कोई चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो ग्लूकोज है बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्लूकोज यहां पर भी है, फिल्ट्रेट वाले पार्ट में भी है. इस फिल्ट्रेट वाले पार्ट के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको अगर हमें यहां भेजना होगा तो वो नहीं जाएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी इसकी कंसेंट्रेशन कम है और यहां ऑलरेडी इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है. तो अगर मुझे ये ग्लूकोज खींचना होगा, अगर मुझे इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना होगा तो मुझे एटीपी खर्च करने पड़ेंगे. तो इस कारण से जब मैं एटीपी खर्च करूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा उसका एटीपी खर्च करके. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और जब कोई अपने आप चला जाता है मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना. ये होता है, सुनिए आगे. These are described as follows. इनको describe कैसे करते हैं, देखो. Water and urea are reabsorbed by passive transportation. Urea जो होता है ना, सुनो, urea थोड़े से amount में वापस से reabsorb किया जाता है, थोड़ा सा amount, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़े से amount में reabsorb किया जाता है ताकि concentration balance की जा सके body fluids की, ठीक है ना. ये बस कंसेंट्रेशन बैलेंस करने के लिए ही होता है, ज्यादा अमाउंट में यूरिया एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उसको तो बाहर निकालेंगे यूरिन के फॉर्म में, ठीक है ना. Absorbed by passive transportation, ठीक है. For example, water is reabsorbed by the osmosis and urea is by simple diffusion, ठीक है. Glucose, essential substances है, कुछ amino acids भी होते हैं इस filtrate part में, are reabsorbed by active transportation, मतलब खींचा जाता है उनको ATP लगा करके. Sodium, reabsorption occurs both passive and active transportation. Sodium का जो absorption होता है वो active और passive दोनों ही तरह के transportation से किया जा सकता है, ठीक है. तो यहां समझ में आया किस चीज का actively absorption किया जाता है और किस चीज का passively किया जाता है. आगे चलिए, functions of tubules की बात करेंगे हम, कि tubules के functions क्या होते हैं. When the glomerular filtrate primary urine passes through the renal tubules, the water and different materials to filtrate reabsorb at the various places. यानी कि जैसे ही वो filtrate part जो होता है वो PCT, loop of Henle, DCT से होकर के pass होता है, तो वहाँ पर जो भी essential substances होते हैं वो reabsorb कर लिए जाते हैं. These are given below the following manner. Number first, the proximal convoluted tube. PCT में क्या होता है? मैं वो बात करूँगा. PCT के अंदर reabsorption कैसे होता है? PCT कहाँ होती है? आपको पता है बोमन्स कैप्सूल के ठीक नीचे जो कन्वॉल्यूलेटेड ट्यूब होती है उसको हम प्राइमरी कन्वॉल्यूलेटेड ट्यूब या प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूलेटेड ट्यूब बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PCT कहते हैं. द
The epithelial cells of the PCT have numerous microvilli than simple cuboidal brush border epithelium, which increases the surface area available for reabsorption. सुनिए इसको क्या है ये बताते हैं यहां आइए ये हमारा Bowman's कैप्सूल ये हमारी पीसीटी ये हमारा लूप ऑफ हेनले हम बात करेंगे पीसीटी की प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब की अगर मैं इसकी लेयर को थोड़ा सा जूम करके देखूं तो इसकी लेयर जो होती है वो कैसी दिखाई देती है इसकी लेयर जो होती है उसके अंदर ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होती है ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होती है और इन क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर क्या होते हैं कुछ यू माइक्रोविलाइज लगे रहते हैं यू माइक्रोविलाइज लगे रहते हैं ऐसे ये लगे रहते हैं इस जगह पर इस तरफ भी सेम होता है और उस तरफ भी सेम होता है तो ये वाली जो सेल्स दिखाई देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स सीलिएटेड का मतलब ये जो पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है सम हेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड सीलिया उनको सीलिया बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स ठीक है और क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है ये क्यूबॉइडल शेप की दिखाई देती है ये इनका न्यूक्लियस है ये क्या करती है ये जो पोर्शन होते हैं ये जो माइक्रोविलाइज तुम्हें दिखाई देते हैं माइक्रोविलाइज ठीक है ना ये देखो The epithelial cells of PCT have numerous microvilli. The simple cuboidal brush border epithelium कहते हैं इसको, ठीक है? Which increase the surface area. तो ये जो microvilli होते हैं, ये जो microvilli होते हैं, ये absorption की process को बढ़ा देते हैं, जल्दी करते हैं. आपको पता है ये same microvilli जो होते हैं ना, ऐसे-ऐसे microvilli small intestine में भी देखे गए थे, जहाँ पर food absorb हो रहा था. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो filtrate के अंदर जो essential substances हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं इस कारण से क्या होगा यहां पर भी क्या होता है माइक्रोविलाइज होते हैं तो इसीलिए इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या होता है ऐसा लगता है ना ब्रश के ऊपर जैसे जैसे ब्रिस्टल्स होते हैं ना कुछ वैसा दिखाई देता है ठीक है तो ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन मोस्टली 65% टेक्स प्लेस इन द पीसीटी For example, nearly of the all essential nutrients, 70 to 80% of electrolytes and the water also. ये बोलता है कि जितना भी portion हमें reabsorb करना है, उसका 65% जो होगा, वो PCT के अंदर चला जाएगा. PCT के अंदर reabsorb हो जाएगा. और जो PCT होती है, ध्यान से सुनना, PCT के अंदर reabsorb हो जाएगा. उसके बाद, अगर मैं बात करूं electrolytes की, electrolytes का मतलब जैसे sodium ion हो गया, potassium ion जो हो गए, ठीक है, bicarbonates ions हो गए, 70 to 80% ions और water जो होता है, वो PCT में absorb होते हैं, ठीक है, उसके बाद PCT also helps in the absorption of HCO3- ions from the filtrate, यानी bicarbonate ions जो होते हैं, उनके absorption में भी PCT help करती है, ठीक है, bicarbonate ions जो होते हैं, वो pH maintain रखने में help करते हैं blood की, आगे चलिए हेनले के लूप की बात करते हैं द टू पोर्शन ऑफ हेनलेज लूप प्लेड एंड डिफरेंट रोल्स इन ऑस्मोरेगुलेशन सच एज डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले है और लूप ऑफ मेन्यू नहीं है लूप ऑफ हेनले है लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले ठीक है ना Water is reabsorbed here, but the sodium and other electrolytes are not reabsorbed here. किसकी बात चल रही है? Descending limb की बात चल रही है. आपको पता है ना loop of Henle जो होता है, उसके दो portions होते हैं. एक ये portion होता है जो नीचे की तरफ जा रहा है, एक ये portion है जो ऊपर की तरफ आ रहा है. दिख रहा है ना? ये वाला portion जो होता है, इसको descending limb बोलते हैं. और ऊपर वाला portion जो होता है, वो ascending limb होता है. तो यहाँ पर कौन-कौन सी चीजें absorb होती हैं? देखो. Water is reabsorbed here, but sodium and other electrolytes are not absorbed here. यहाँ पर सिर्फ water absorb किया जाता है. कौन से part में? Descending part में. This concentrates the filtrate as move down. जैसे-जैसे filtration नीचे की तरफ जाता रहता है, पानी निकलता रहता है. जब पानी निकल जाएगा, तो वो filtrate जो होगा, वो कैसा हो जाएगा? Concentrated हो जाएगा. इसका ठीक उल्टा होता है ascending limb में. This segment is impermeable for water, but permeable for potassium ion. Cl- ions and the sodium ions. ठीक है ना इन ions के लिए permeable होता है ascending part लेकिन water के लिए impermeable होता है तो ये ions वगैरह जो होते हैं वो यहाँ absorb
किए जाते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट। अगर थोड़ा बहुत अभी भी सोडियम आयन बच रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा, यानी एटीपी यूज करके खींचा जाएगा, ठीक है। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन, ये एक हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, डीसीटी जो होती है उससे सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करवाता है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल्स जो है वो आगे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। दैट टेक्स प्लेस। वाटर इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब्ड हेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी डायुरेटिक हार्मोन एडीएच। सुनो, ये हेनले का लूप होता है, उसके बाद यहां आगे की तरफ क्या होती है, डीसीटी होती है, जो आगे चल के कनेक्ट कलेक्टिव जो डक्ट होती है उसमें खुलती है ना। ये डीसीटी है, ये डीसीटी है। डीसीटी के अंदर जो रीअब्सॉर्प्शन होगा, वो डीसीटी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन किसका होगा, या तो सोडियम आयन का होगा। और सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन कब होगा, जब एक हार्मोन यहां पर आकर के एक्ट करेगा, उस हार्मोन का नाम होता है एल्डोस्टेरोन। जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन यहां आके एक्ट करेगा, यहां से सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर वही अगर मैं बात करूं एंटी डायुरेटिक हार्मोन, अगर एक और हार्मोन होता है एडीएच, या जिसको हम एंटी डायुरेटिक हार्मोन कहते हैं, अगर वो यहां पर आकर के एक्ट करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा वो यहां पर रीअब्सॉर्ब होता रहेगा, ठीक है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए एल्डोस्टेरोन है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए एडीएच है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन होता है जो वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है यहां से। देखिए उसके बाद क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। हालांकि कलेक्टिंग डक्ट जो होता है उसको हम नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते, लेकिन ये भी रीअब्सॉर्प्शन में काफी हेल्प करती है। This duct extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. अभी अपनों ने देखा था ना कि जो, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन सा पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा पार्ट जो होता है वो मेड्यूला में होता है। अगर मैं बात करूं, यहां पर तो नहीं है, शुरुआत में मैंने बताया था कि किडनी के अंदर क्या होता है, कुछ पोर्शन जो होते हैं वो कॉर्टेक्स पार्ट में होता है, कुछ पोर्शन मेड्यूला पार्ट में होता है ना। उसमें जो कलेक्टिंग डक्ट थी वो कॉर्टेक्स से चल करके नीचे मेड्यूला तक जा रही थी, याद हो तो। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो मेड्यूला के अंदर होती है, तो इनर पार्ट्स ऑफ मेड्यूला, कॉर्टेक्स से शुरू होकर के वो मेड्यूला तक जाती है। एंड इट इज हाईली परमेबल फॉर वाटर, वाटर के लिए हाईली परमेबल होती है। दस अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड हेयर। तो यहां पर क्या होता है, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो अच्छा खासा पानी जो होता है वो यहाँ रीअब्सॉर्ब किया जाता है। देयरफॉर द फिल्ट्रेट इज नाउ कॉल्ड यूरिन। अब जो फिल्ट्रेट बचेगा उसको हम यूरिन कहेंगे, क्योंकि जो भी असेंशियल सब्सटेंसेस थे वो हमने पीसीटी में, हैनले के लूप में, डीसीटी में रीअब्सॉर्ब कर लिया है। अब जो पीछे मटेरियल बचता है उसको हम यूरिन कहते हैं। द यूरिन इज आइसोटोनिक टू द मेड्यूलरी फ्लूइड एंड द हाइपरटोनिक एज अ ब्लड। यानी कि ये ब्लड जो होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है, हाइपरटोनिक टू द ब्लड, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। और एक मेड्यूलरी फ्लूइड होता है जो कि नेफ्रॉन्स के बाहर की तरफ पाया जाता है, उसके लगभग लगभग सिमिलर होता है। Then the concentrations of important ions and other substance in the blood are controlled by the regulating water levels. यानी कि बहुत सारे contractions जो होते हैं और बहुत सारे important ions वगैरह जो होते हैं, वो जो substances जो होते हैं उनको control करते हैं कि blood में कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। जो भी concentration होगी उस पर depend करेगा क्या चीज़ absorb होनी है क्या चीज़ absorb नहीं होनी है, ठीक है। कहीं पर कोई चीज ज्यादा है तो वहां से वो कम की तरफ चली जाएगी, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। अगर हम एटीपी खर्च करके कोई चीज लेकर के जानी है तो हमें एटीपी खर्च करके ले जाना पड़ेगा, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे। तो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ये कि वाटर कितना चाहिए, आयंस कितने चाहिए, वो सब। अब क्या होता है, मिक्चुरेशन की प्रोसेस, यानी यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे किडनियां होती हैं, ये किडनी है, किडनी जो है उसका मैंने एक ही पोर्शन बनाया है। उस यहां से क्या होता है, वो यूरिन जो होता है वो यूरेटर से होकर के नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर इस जगह पर जाकर के क्या होता है, वो इकट्ठा होता जाता है यूरिन हमारा, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक सैकलाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन के आने पर थोड़ा सा फैल सकती है, एक्सपांड हो सकती है, ठीक है। इस जगह पर यूरिन कुछ देर के लिए इकट्ठा किया जाता है, फिर जब ये एक लिमिट तक एक्सपांड हो जाता है ना, देन क्या होता है, यहां पर जो एपिथेलियम सेल्स होती है ये कनेक्टेड होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनसे उनके पास एक मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मैं CNS लिख देता हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ एक एक्शन पोटेंशियल जो होता है या एक मैसेज कह देता हूं मैं, वो जाता है कि भैया क्या हो गया कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ना ये भर चुका है, अब इसको खाली करना है, ठीक है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही मैसेज गया, कौन भेजेगा, जो सेल्स होती हैं इनकी, जो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी जो बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कनेक्टेड रहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, वो एक मैसेज भेजती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने के बाद वापस से एक मैसेज भेजता है, और वापस से मैसेज भेजने के बाद क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा तो यहां पर जो यूरिथ्रा वाला पोर्शन जो होता है, जो यूरेथ्रा वाला पोर्शन जो होता है, यहां पर जो मसल्स होती हैं जो पहले टाइट थी, अब वो मसल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं। जब ये मसल्स लूज हो जाएंगी तो यूरिन जो होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात भी कर लेते हैं। देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन वो तीसरा पोर्शन होता है, ठीक है, कुछ चीजें जो है वो फिल्टर नहीं हो पाती है किडनी के अंदर, उनको डायरेक्टली कैसे बाहर निकाला जाता है, देखो सुनना ध्यान से, मैं फिर से नेफ्रॉन बनाता हूं। सर कितनी बार नेफ्रॉन बनाएंगे, जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार बनाएंगे। यहां है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल्स होंगी, और ये इफरेंट आर्टेरियल जो होती है वो आगे चल के क्या हो गए, तुम्हें पता है इसके चारों तरफ क्या बनेगी, वो एक वेब बनाएगी जिसको हम वासा रेक्टा वेब बोलते हैं। मैं एक बार इस ट्यूब को ऐसे बता देता हूं, ये ट्यूब है, ये यूं ऐसे साथ में चल रही है मान लो इसके, ठीक है। तो कुछ पोर्शन जो यहां पर फिल्टर होते होते रह गए, यहां से ब्लड आया, कुछ चीजें यहां फिल्टर हुई और कुछ चीजें यहां फिल्टर नहीं हुई, तो जो चीजें फिल्टर नहीं हुई वो अभी भी ब्लड के अंदर है। तो क्या किया जाएगा, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये डायरेक्टली उन चीजों को क्या करती है, यहां नेफ्रॉन की पीसीटी के अंदर डाल देती है, इस जगह नेफ्रॉन के अंदर। तो यहां पर कुछ चीजें डायरेक्टली क्या होती हैं, ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है ना। तो ये देखिए, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अ सर्टेन केमिकल्स इन द ब्लड दैट आर नॉट रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन from the glomerular capillaries that are removed by this process of tubular secretion, ठीक है? It helps to the maintenance of the ionic and acid-base balancing of the body fluids by removing chemicals like foreign bodies and the molecules like medicines etc. that are toxic at the elevated levels. यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो होती है वो directly blood vessels से nephrons के अंदर डाल दी जाती हैं, जो कि टॉक्सिक हो सकती हैं, कुछ मेडिसिंस हो गई, कुछ फॉरेन बॉडीज हो गई, ठीक है, जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, नेफ्रॉन के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस थी मिक्चुरेशन की। देखिए, द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्रेन कंटीन्यूअसली बाय द नेफ्रॉन टू द रीनल पेल्विस, फ्रॉम हेयर इट इज कैरिड डाउन बाय द यूट्रस और सॉरी यूरेटर्स एंड देन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि रीनल पेल्विस से होकर के बाहर निकलता है यूरिन कंटिन्यूअसली, जो कि यूरेटर से होकर के नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और देन उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। द ब्लैडर सर्व्स टू स्टोर द यूरिन टेम्पररली टिल द सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड CNS। उसके बाद जैसे जैसे वो यूरिन को स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर, वैसे वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या जाता है, एक मैसेज जाता है। द यूरिन कलेक्ट्स द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ब्लैडर distant to the accommodate it। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट करता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसकी वॉल्स जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपांड होती हैं, फैलती हैं। द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स, उनकी वॉल्स के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं थोड़े, ऑफ द ब्लैडर सेट अप रिफ्लेक्सेस सेंड सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द स्टिम्युलेटिंग द सेंसरी नर्व एंडिंग टू द ब्लैडर। यहां पर क्या होता है, अभी बताया था देखो, इस जगह पर यहाँ पर कुछ नर्व्स होती हैं जिनको हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। ये नर्व्स क्या करती है, मैसेज भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। इट कॉज एंड अर्ज टू पास द आउट ऑफ यूरिन, ये यूरिन को पास आउट करने के लिए क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है,
that act of exclusion of urine involves the coordinated contractions as the central nervous system passes on the motor messages. जब central nervous system जो होता है वो क्या करता है, उस message को examine करता है, तो वो वापस एक reflex भेजता है. वो reflexes जो होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो कि motor जो nerve होती है उसके through वापस से central nervous system से होकर के कहाँ आते हैं, जो urinary bladder होता है वहाँ पर आते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो कुछ स्मूथ मसल्स होती है उसकी वॉल के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर, तो स्मूथ मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है. दैट स्टिमुलेशन ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स. तो कुछ यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन जो होता है वो होना चालू हो जाता है. दैट द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. और यूरिन जो होता है वो बाहर निकलता है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं. एंड द न्यूरल mechanism causing that is called micturition reflex. और यहाँ पर क्या होता है, कुछ nervous system का portion भी help करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, micturition reflex भी बोलते हैं. आगे आप देखोगे कि जब मैं nervous system पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि reflex section क्या होता है. reflex section जो होता है वो हमारा brain जो होता है किसी message को लेकर के वापस से क्या करता है, उसके support में या उसके oppose के अंदर कि हमें करना क्या है, वापस action generate करवाता है. जैसे कि उदाहरण के लिए मेरा हाथ अगर किसी गर्म चीज पे पड़ गया तो हाथ जो है सडनली हट जाएगा. तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं. तो यहाँ पर भी तो यही चीज हुआ, पहले मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, देन वापस मैसेज आया, तो इसीलिए उसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, एल्कोहल इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ADH एंड कैफीन इंटरफेयर्स विद ADH action and the sodium reabsorption. आपको पता है ADH hormone, अभी मैंने बताया था ADH hormone का काम क्या होता है, वो DCT से water को reabsorb करवाता है वापस. अगर alcohol किसी ने consume की है, यानी कि किसी ने alcohol जो है वो consume की है, तो alcohol जो होता है वो ADH का secretion नहीं होने देगा. ADH क्या करता है, water को reabsorb करवाता है. जब water reabsorb नहीं होगा, क्योंकि ADH ही नहीं आएगा, ADH हार्मोन अगर नहीं आएगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा. वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या ये हो सकता है कि बार बार यूरिन आए. तो जिस व्यक्ति ने अल्कोहल कंजम की होती है उसके अंदर यूरिनेशन जो, यानी मिक्चुरेशन जो होता है वो बार बार होता है. ठीक है, और कैफीन जो होता है कॉफी के अंदर जो होता है वो भी इंटरफेयर करता है ADH के अंदर, और सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन में भी वो दिक्कत पैदा करता है. दस द बोथ ऑफ दीज artificially dilute of urine and they are called diuretics. यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों ही चीजें जो होती है, यानी कि caffeine और ADH, ये दोनों क्या करते हैं, sodium के absorption को, water के absorption को क्या करते हैं, affect करते हैं. इस कारण से यहाँ पर क्या किया जाता है, ये दोनों urine को dilute बनाते हैं. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, diuretics भी बोलते हैं, क्योंकि ये urine को dilute बनाते हैं और urine को बार बार क्या करते हैं, आने के लिए induce करते हैं. Urination is a reflex response in babies, but it's controlled to continuously in older children and adults. यहाँ पर बोलता है कि जो reflex action जो होता है ना, अभी अपनों ने देखा था central nervous system तक message जाएगा फिर आएगा, ये तो babies के अंदर होता है. लेकिन हमारे अंदर adults के अंदर क्या होता है, ये reflex action के साथ साथ कुछ ये portions भी होते हैं जो कि control करते हैं micturition को, कि कहाँ डायल्यूट यूरिन है, कहाँ पर कंसंट्रेटेड यूरिन करना है, वो ADH कैफीन ये सब भी इफेक्ट करता है, क्योंकि एक छोटा बेबी जो होता है वो कहाँ कैफीन और जो अल्कोहल जो होगा वो कंजम करेगा, है ना. तो वहां पर क्या होता है, छोटे बेबी के अंदर सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, हमारे अंदर ये कैफीन अल्कोहल ये सब चीजें जो होती है ये भी कुछ मात्रा में कंट्रोल करती है. द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन द रीनल वेन बिकॉज द यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन फ्रॉम द किडनी. ये बोलता है सबसे कम यूरिया जो होता है वो रीनल वेन के अंदर मिलता है. अब होता है रीनल वेन क्या होती है, जो किडनी से बाहर निकलती है, जो CO2 वाले ब्लड को बाहर लेकर के जाती है, क्योंकि सारा यूरिया जो है उसने तो किडनी में छोड़ दिया. तो सबसे कम यूरिया जो होगा वो कहां मिलेगा, रीनल वेन में मिलेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर के जाती है किडनी से, क्योंकि सारा यूरिया जो होता है वो तो किडनियां फिल्टर कर लेती है. ऑन एन एवरेज 20-30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे. 20-30 ग्राम यूरिया जो होता है वो हम पर डे एक्सक्रीट करते हैं. द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन is found in the hepatic vein because the urea is synthesized by the liver. Liver से निकलने वाली एक hepatic vein होती है जो क्या करती है, जिसके अंदर यूरिया की concentration सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है यूरिया जो होता है वो कहाँ बनता है, यूरिया बनता है लीवर के अंदर. तो अमोनिया से जो यूरिया बनेगा उस यूरिया को जो बाहर लेकर के जाने वाली वेन होती है ना, जो लीवर से बाहर लेकर जाएगा जी, उसको hepatic vein बोलते हैं, और उसमें यूरिया की concentration सबसे ज्यादा देखी गई है. अब हम बात करेंगे यूरिन के बारे में. यूरिन जो होता है वो कैसा होता है, उसकी नेचर कैसी होती है.
An adult human normally pauses about 1 to 1.5 liter of urine per day. एक दिन में एक से लेकर के 1.5 लीटर 1 टू 1.5 लीटर यूरिन जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से. कंपोजिशन ऑफ यूरिन इज नॉर्मली कंटेन्स वाटर 95% वाटर होता है, 2% सॉल्ट्स होते हैं. इनके अंदर यूरिया जो होता है वो 2.6% होता है, यूरिक एसिड होता है थोड़ा 0.3%, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ सर्टेन क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिन क्रिएटिनिन ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ठीक है, कुछ बहुत कम अमाउंट में अमोनिया भी होता है, ठीक है. द कलर इज यूरिन इज पेल येलो, स्लाइटली येलो होता है, इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ यूरोक्रोम. ये पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, इसके कारण क्या होता है उसका कलर पेल येलो आता है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये भी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है. पीएच रेंज कितनी होती है, 4.5 टू 8.2 पीएच रेंज होती है, ऑन एन एवरेज पीएच जो होती है वो 6 होती है एक यूरिन की. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है, 7 से नीचे पीएच होगी तो मतलब एसिडिक है ये, स्लाइटली एसिडिक होता है. ऑर्डर इज अनप्लीजेंट इफ अलाउड टू असेंड इम्पैक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल लाइक अमोनिया. अगर ये काफी समय तक एक जगह पर इकट्ठा रहता है तब इसमें से बहुत बदबू आती है, ठीक है ना, जो कि अगर मैं बात करूं ना कि अगर कई बार अपने जाते हैं कि जो टॉयलेट्स वगैरह पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं उनके पास अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अनप्लीजेंट सा ऑर्डर आता है, बहुत बदबू सी आती है. वो बदबू जो होती है वो अमोनिया गैस के कारण होती है, ठीक है ना, क्योंकि जब वहां पर क्या होता है, कई जगहों पर क्या होता है वो यूरिन जो है वो पड़ा रहता है एक जगह पर, ठीक है, तो वहां से बदबू आने लगती है अमोनिया गैस के कारण, ठीक है. आगे देखिए रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ किडनियां ही रोल प्ले नहीं करती है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के जो कि एक्सक्रीटरी या जो प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो अदर ऑर्गन्स कौन कौन से, देखिए, अदर देन द किडनीज देयर आर सम एसेसरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑल्सो दैट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. दीज आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट आता है लंग्स, ठीक है, लंग्स जो होते हैं आपको पता है एक्सेस वाटर जो होता है वो और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो उसको एक्सक्रीट करने का काम करते हैं. The carbon dioxide and water are the waste products formed in the respiration. ये बताया था मैंने respiration के दौरान क्या होता है, जब कोई भी जो food substances जो होता है उस food substances को utilize किया जाता है तो carbon dioxide और water product के form में बनते हैं. The lungs remove CO2 and some water as vapor in the expired air. About 18 liter of CO2 per hour and the 400 ml of water per day are eliminated by the human lungs. एक्चुअली यहाँ पर 18 लीटर CO2 पर और नहीं होगा, पर डे होगा, ठीक है ना, पर डे होगा. एंड द 400 ml ऑफ वाटर पर डे आर एलिमिनेटेड बाय ह्यूमन लंग्स, ठीक है. उसके बाद देखिए लीवर. लीवर जो होता है वो एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है और वो लीवर जो होता है उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता है और उनको फिर वो बाहर एक्सक्रीट करवा देता है. It changes the decomposed hemoglobin to the worn out red blood corpuscles into the bile pigment, example bilirubin and biliverdin. आपको पता है हमारी जो RBC होती है उन RBC की जब एज कंप्लीट हो जाती है, जब उनका लाइफ पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब वो दो ऑर्गन्स में जाकर के क्या होती है, डिकम्पोज होती है या टूटती है, मैं कहूँ ब्रेकडाउन होती है, ठीक है. फर्स्ट होता है लिवर एंड सेकेंड होता है स्प्लीन. स्प्लीन और लिवर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरबीसी के ब्रेकडाउन के अंदर, क्योंकि अब उसकी एज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, लाइफ पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो क्या होगा वहां पर, वो ब्रेकडाउन होगी. तो स्प्लीन में और लीवर में होते हैं. तो लीवर में जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है सुनिएगा, तब उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो भी तो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है तो वो भी डिस्ट्रॉय होगा. जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तब कुछ येलोइश कलर के पिगमेंट्स बनते हैं, उनको हम बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कहते हैं, ठीक है, इनको हम बाइल पिगमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाइल जूस जो होता है, ये बाइल जूस जो होता है उसके साथ में क्या होता है बाहर निकल आते हैं. दीज पिगमेंट्स पासेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल विद द बाइल फॉर एलिमिनेशन द फेसेस. उसके बाद क्या होता है ये मिक्स हो जाते हैं हमारे फूड के अंदर, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो फीकल मैटर होता है उसके साथ ही पिगमेंट्स बाहर निकल जाते हैं. तो हमारा जो स्टूल होता है ना उसका जो येलो कलर होता है वो इन्हीं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट्स के कारण आता है,
ठीक है, और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कैसे बनते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से, ठीक है। द लिवर ऑल्सो एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल, सम स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स, सर्टेन विटामिंस एंड द ड्रग्स वाया बाइल, ठीक है। ये बाइल के साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स, कुछ विटामिंस जो होते हैं वो सब भी एक्सक्रीट करता है। द लिवर deaminates the excess and unwanted amino acids. ये unwanted amino acids जो होते हैं उनको inactive भी करता है, उसको हम deamination बोलते हैं, ठीक है। And producing ammonia, which is quickly combined with CO2 to form urea. The urea cycle, that is also called ornithine cycle, which is further removed by the kidneys. ये देखो, ये बहुत important चीज़ है। अपनों ने पढ़ा था कि जो अमोनिया बनता है, वो अमोनिया जो होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये काम लिवर करता है। तो जो अमोनिया बनती है उसके साथ में CO2 को अटैच किया जाता है, और CO2 को अटैच करने के बाद उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। पता है आपको यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है दो NH2 ग्रुप और एक C डबल बॉन्ड O, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स और एक CO2 मॉलिक्यूल इसमें काम आता है, और ये अमोनिया जो होता है उससे यूरिया का निर्माण कर लिया जाता है या यूरिया बन जाता है। ये लीवर में जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू क्या होता है, यहां पर अमोनिया जो होता है उसके साथ में CO2 अटैच की जाती है और उससे यूरिया मॉलिक्यूल बनाया जाता है, ठीक है, विच फर्दर रिमूव बाय द किडनीज। उसके बाद क्या है, देखो स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो काम करती है एक्सक्रीशन का। द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन can eliminate certain substances through their secretions, ठीक है। कौन कौन सी होती है glands? देखो sweat glands होती है, sweat glands जो होती है जिसको हम आम भाषा में हम पसीने की ग्रंथियां भी बोलते हैं, पसीने की gland भी बोल देते हैं इनको, ठीक है ना। sweat glands क्या होती है, देखो the secretion of sweat gland क्या secrete करेगी, sweat secrete करेगी, पसीना secrete करेगी, is an aqueous fluid containing NaCl, lactic acid and the small amount of urea। आपको पता है हमारा जो sweat होता है, पसीना होता है, उसके अंदर जनरली NaCl होता है, कुछ लैक्टिक एसिड होता है, वाटर भी होता है, वाटर तो मोस्ट ऑफ जो पार्ट जो होता है वो वाटर का ही होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं और बहुत थोड़ा सा ग्लूकोज होता है, ठीक है। कंट्रोल द स्वेट लॉस इज द एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस कंट्रोल ऑफ और रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है, पसीना जो निकलना होता है, ठीक है ना, कई बार जब हमें गर्मी लगती है तब पसीना निकलता है ना, तो ये एक होम्योस्टेसिस की प्रोसेस भी है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जब पसीना निकलता है ना तो स्किन जो होती है ना वो कूल डाउन हो जाती है, जिस कारण से स्किन का टेम्परेचर भी डाउन चला जाता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प मिले। तो पसीना तब भी निकलता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी सर्फेस, ठीक है ना। उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड्स क्या होती है, देखो सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो कुछ वैक्सी मटेरियल जो होता है वो सिक्रेट करती है, सीबम उसको बोलते हैं, सीबम। फ्रॉम द सीबेसियस ग्लैंड्स एलिमिनेट्स स्टेरॉल्स, फैटी एसिड्स, वैक्सेस एंड सम हाइड्रोकार्बन्स। दिस सिक्रेशन इज मेनली मेंट टू द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द स्किन, और ये सारे सिक्रेशन जो होते हैं वो ऑयली कवरिंग बनाते हैं स्किन के ऊपर। तो स्किन के ऊपर जहां कहीं पर भी ऑयल या वैक्स निकलता है ना, ठीक है ना, वहां पर ही सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, जैसे फेस के ऊपर होगी कुछ मात्रा में, और कई बार हमारे कान के अंदर होते हैं, कान के अंदर कई बार क्या होता है वैक्सी मटेरियल से निकलता है, ठीक है ना, वो भी सीबेसियस ग्लैंड्स ही है, ठीक है ना, वहां पर सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन है। आगे देखिए आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करते हैं। सुनिए आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो तब काम आती है जब हमारी नेचुरल किडनीज जो होती है उनकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है। नेचुरल किडनीज जो होती हैं दो, उनकी फंक्शनिंग कैसे बंद हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन के कारण से बंद हो सकती है, ठीक है, कई बार कुछ जेनेटिकली रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। जब कभी कभी आपने सुना होगा कि किडनी के अंदर क्या हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन हो सकता है, जिसको हम आम भाषा में पथरी कह देते हैं, उसके कारण क्या होता है किडनी जो होती है वो धीरे धीरे फंक्शंस करना बंद हो सकती है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है कि किडनी जो है वो काम ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा, जब किडनियाँ काम नहीं करेंगी तो यूरिया जो होगा उसको बाहर कैसे निकालेंगे हम। जब यूरिया बॉडी के अंदर ही रहेगा, यूरिया टाइम टू टाइम बाहर नहीं निकल पाएगा, रिमूव नहीं हो पाएगा, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा, और जब टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस कारण से क्या होता है, हमें जब तक किडनी का कोई डोनर नहीं मिल जाता, इसका एकमात्र इलाज जो है अगर बताऊं तो किडनी ट्रांसप्लांट है। किसी से किडनी लेकर के आप एक सिंगल किडनी जो है वो लगा सकते हो, एक पर्सन जो होता है वो सिंगल किडनी पर भी जिंदा रह सकता है।
तो जब तक एक डोनर नहीं मिल जाता, सुटेबल डोनर नहीं मिल जाता, क्योंकि जब डोनर ढूंढते हैं तब ब्लड ग्रुप जो होता है वो भी मैच किया जाना जरूरी होता है। तो जब तक सुटेबल डोनर नहीं मिलता तब तक एक मशीन होती है, उस मशीन के थ्रू क्या करते हैं हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को धीरे धीरे उस मशीन के अंदर से ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है और उस मशीन में से क्या किया जाता है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें से यूरिया जो होगा वो अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और जो ब्लड प्योर हो जाता है उसको वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एंटर करवा दिया जाता है। देखिए ये वो मशीन है, इसको हम डायलिसिस, इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं और इस मशीन को डायलाइजर मशीन बोलते हैं। यहां ये प्रोसेस है जिसके अंदर देखो ब्लड जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, ब्लड जो बाहर निकाला जाता है ये रहा देखो, वो एक आर्टरी के थ्रू निकाला जाता है, एक आर्टरी जो होती है उसके थ्रू क्या किया जाता है, इस ब्लड को बाहर निकाला जाता है ताकि ब्लड जो है वो आगे फ्लो होता रहे। आपको पता ना आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड जो है आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, और जो प्योरीफाई हो जाता है ब्लड, उस ब्लड को एक वेन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर वापस से डाल दिया जाता है, ठीक है। ये वो मशीन होती है जहां पर क्या होता है, जब ब्लड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा तो इस ब्लड के अंदर से यूरिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, डायलिसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं, डायलिसिस इज डन व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रिटिकल किडनी डिसऑर्डर, ग्रेव किडनी डैमेज और प्रीवियसली सर्व अ रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का मतलब ये होता है किडनियां काम करना बंद कर देती है। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द किडनी लॉसेस 90% ऑफ इट्स एफिशिएंसी, जब किडनी 90% अपनी एफिशिएंसी खो देती है, मतलब काम कर ही नहीं रही है, बहुत कम काम कर रही है, तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दिस ट्रीटमेंट मे कंटिन्यू फॉर मंथ्स और ईयर्स सिंस मोस्ट किडनी फेलियर्स इन आर इरिवर्सिबल, क्योंकि बहुत सारे किडनी फेलियर्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल होने के कारण क्या होता है, वहां पर हम इस मशीन का यूज करेंगे, काफी समय तक किया जा सकता है, कुछ महीनों या कुछ सालों तक भी किया जा सकता है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस क्या होती है, द आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ट्यूब्स मेड ऑफ सेलोफेन विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। देखो इसके अंदर ही आपको छोटी छोटी ट्यूब्स दिखाई दे रही है, ये ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स जो है वो किसकी होती है, सेलोफेन एक मटीरियल होता है उसकी बनी होती है। सर क्या इसका जो सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, ठीक है ना, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सेलोफेन की ट्यूब्स जो होती है वो कुछ आयंस और यूरिया को ही बाहर जाने देती है, ब्लड के और किसी कंपोनेंट को वो जाने नहीं देती, उसके लिए वो परमिएबल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यहां पर जो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स जो है इन ट्यूब्स के बाहर की तरफ क्या होता है, कुछ डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा होता है, इस जगह पर बाहर की तरफ डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा होता है, यहां ऐसे डायग्राम थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, यानी कि ये ट्यूब्स जो है इसके बाहर बाहर डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा होता है, तो जो यूरिया निकलेगा वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ही जाएगा, ठीक है। दिस फ्लूइड कंटेन्स वाटर एंड ग्लूकोज इन कंसेंट्रेशन सिमिलर टू द दोज द ब्लड, यानी कि यहाँ जो फ्लूइड होता है इसके अंदर जो कंसेंट्रेशन होती है वो ब्लड की कंसेंट्रेशन के जैसे ही होती है, ठीक है, वाटर और ग्लूकोज लगभग सिमिलर होता है ब्लड के। द पेशेंट्स ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी एंड द कूल्ड एट 0 degree centigrade। सबसे पहले एक रेडियल आर्टरी यानी कोई मेन आर्टरी जो होती है वहां से ब्लड निकाला जाता है और उसको 0 degree centigrade पर कूल डाउन किया जाता है। देन एंटीकॉगुलेंट हिपेरिन इज एडेड इन टू द ब्लड, एक एंटीकॉगुलेंट डाला जाता है जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं। एंटीकॉगुलेंट का मतलब क्या होता है, जो ब्लड को बाहर कॉगुलेंट होने से बचाएगा। आपको पता है ना ब्लड को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कुछ ही देर में ब्लड जो होता है उसका कॉगुलेशन हो जाता है, वो जम जाता है, लेकिन हमें जब तक उस डायलाइजिंग मशीन में से ब्लड को निकालना होगा तब तक हम ये चाहते हैं कि ब्लड कॉगुलेंट ना हो ना, ब्लड का कॉगुलेशन ना हो, तो उसमें क्या डालते हैं हम, हिपेरिन डाल देते हैं ताकि बॉडी के बाहर हमारा ब्लड जो है उसका कॉगुलेशन नहीं हो और वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। The blood then passed through the semi-permeable coiled cellophane tubes. उसके बाद क्या किया जाता है, उसको पास किया जाता है semi-permeable वाली cellophane tubes के बीच में। The tubes allow the small molecules such as urea, creatinine and the uric acid to pass out. Also the metabolic waste are filtered out in the surrounding solution. But the macromolecules यानी बड़े molecules जो होते हैं, just like proteins are retained in the blood. क्योंकि वो इनके लिए impermeable होते हैं, तो blood में रह जाते हैं। The purified blood is then mixed with anti-heparin. उसके बाद जब purify हो जाता है blood, तो उस heparin के effect को खत्म करने के लिए हम anti-heparin डालते हैं। And warm, और वापस से warm कर दिया जाता है, ठीक है ना? ताकि 37 degree वापस से blood जो है उसका temperature आ जाए to the body temperature and is
रिटर्न थ्रू अ वेन इन द सेम आर्म, और उसके बाद किसी वेन के थ्रू उसको वापस से अंदर डाल दिया जाता है. द फंक्शन ऑफ डायलिसिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनीज, क्योंकि इसका काम क्या होता है, किडनियों का काम क्या होता है, यूरिया को अलग करना, और इसने भी क्या किया, यूरिया अलग किया. बट द ओनली डिफरेंस इज देयर इज नो रीअब्सॉर्प्शन ड्यूरिंग द डायलिसिस. यानी कि जैसे अपनों ने देखा था, जहां पर क्या होता है, जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर जो पीसीटी, हेनलिकल लूप, डीसीटी, वो कुछ असेंशियल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोसेस होती है रीअब्सॉर्प्शन की, वो नहीं हो पाती है. बस इतना सा डिफरेंस होता है खाली, बाकी ओवरऑल जो है वो किडनी की जैसे ही फंक्शनिंग रहती है इसकी भी. तो यहां पर खत्म होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.